गौतम uh, uh, कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल मार्केट थोड़ा हुआ लेकिन लोअर uh, लेवल से शानदार रिकवरी भी आ गई आप क्या कह रहे हैं अपने क्लाइंट्स को uh, अनुज ये जो टैक्स के चेंजेस आए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड थे तो थोड़ा सा उस हिसाब से डिसमेंट है बट दैट इन दिस बजट बाकी जो फिजिकल कंसोलिडेशन का रोड मैप है फोर जो उन्होंने किया है ऑफ और आगे की भी जो दिशा दर्शाई है फोर पॉइंट फाइव की एफ फाइव ट्वेंटी सिक्स की आई थिंक वो काफ़ी पॉजिटिव है फ्रॉम अ फिजिकल स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा कैपेक्स पे जो फोकस है और कई सारे स्कीम्स उन्होंने अनाउंस किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन ब्रॉडली वो जो एलोकेशन था ग्यारह लाख ग्यारह हजार करोड़ का वो उन्होंने मेनटेन किया है तीसरा uh, जो उम्मीद थी कि कंजम्शन को एक कुछ बढ़ावा मिलेगा हालांकि अभी फाइन प्रिंट देखे नहीं हमने स्कीम वाइज एलोकेशन बट ऐसे अनाउंसमेंट से कुछ लगता नहीं है कि कुछ बड़ा उन्होंने फ्रीबीज या गिव अवेज कुछ दिए हैं तो वो एक थोड़ा सा माइनर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है अगर वहाँ पे एलोकेशन बड़े नहीं है तो हालांकि अभी तक डिटेल डॉक्यूमेंट्स फाइन प्रिंट स्कीम वाइज एलोकेशन हमने नहीं देखा है बट अनाउंसमेंट में अभी वो कुछ था नहीं तीसरा गोल्ड के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव रहा है जो उन्होंने कस्टम्स ड्यूटी घटाई है तो वो ऑब्वियसली ज्वेलरी सेक्टर पर हमारा बहुत सालों से पॉजिटिव नजरिया रहा है थोड़ा सा उसके लिए एक शॉर्ट टर्म में एक कैटलिस्ट ये बन सकता है बट हाँ जो जो तो टैक्सेशन के चेंजेस है इक्विटीज में वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है और आई थिंक ये एक जरिया बन सकता है शॉर्ट टर्म मार्केट करेक्शन के लिए थोड़ा बहुत जो कूल ऑफ नेसेसरी था वो शायद इस वजह से हो सकता है ओके okay, शरद कोहली जी मैं शरद जी हम लोग इतनी बातें कर रही है सब चीजें बढ़ गई अच्छा भी कुछ हुआ है क्या हमने सुना सत्रह हजार करोड़ सत्रह करोड़ हजार रुपए बचेंगे हमारे इनकम टैक्स में ऐसा कुछ जी हाँ अगर आप न्यू रिजीम में हैं तो साढ़े सत्रह हजार रुपए आपके बचते हैं क्योंकि थोड़ा सा जो टैक्स फ्लैप्स को रीअलाइन किया गया है आ, उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है हालांकि रेट्स को चेंज नहीं किया गया है और पंद्रह लाख से ऊपर तो बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं है उसको वैसे का वैसा रखा गया है मैं एक छोटा सा कमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के लिए करना चाहूँगा यहाँ पर मैंने एक बैक ऑफ दी अनवलप कैलकुलेशन करी कि मान लीजिए किसी का पाँच लाख रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो एक चीज़ जिसका आप जिक्र करना मेरे ख्याल भूल गए अभी तक वो था सेक्शन 112 आपको याद होगा कल आवाज़ अड्डा में हम इसका जिक्र कर रहे थे आपने जिसके बदले में ये कहा था कि मार्केट करेक्शन में चली गई तो फिर क्या होगा एक लाख रुपए की तक तो चुप जो मिलती है उसको अब सवा लाख रुपए कर दिया गया है तो वो थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो हमें नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है वो कुछ हद तक यहाँ ऑफसेट हो जाता है मैंने एक बैक ऑफ द दिन कैलकुलेशन करी कि पाँच लाख रुपये किसी का मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर अभी तक चालीस हज़ार रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था एक लाख रुपए हंड्रेड एंड ट्वेल्व का कम करके अब ये एक लाख पच्चीस हज़ार जो हुआ है हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए और साढ़े बारह परसेंट हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो वो अब मेरे हिसाब से 46,875 सिक्स थाउजेंड एट सेवेंटी फाइव छियालीस हज़ार आठ सौ पचहत्तर लगते हैं तो करीब करीब पांच लाख ,00 पे छः हज़ार आठ सौ पचहत्तर एक्स्ट्रा टैक्स अब जाता है मैंने एक एनवलप बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करी है दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो अभी तक जो कि जो कि बढ़ा दिया गया है उस पर जो ट्रेडर्स हैं जो एफ एंड ओ देखिए जब इनकम होती है शेयर ट्रेडिंग से तो अगर आप ट्रेडर कैटेगरी में हैं तो आप बिजनेस एंड प्रोफेशन कैटेगरी में जाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसके ऊपर लगता है जो निवेशक है जेनविन निवेशक है जिसके पास लंबे वक्त के लिए किया हुआ है पर कुछ एक सिक्योरिटीज़ को वो एक साल के अंदर बेच देता है उसके ऊपर शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट आएगा तो लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है मार्केट के लिए शायद ये थोड़ी सी राहत की खबर हो कि थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि आप हंड्रेड ए के बेनिफिट को भी एक लाख से सवा लाख कर दिया गया है तो मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अब थोड़ी बैलेंस करने की कोशिश करिए जहाँ एक तरव साढ़े बारह कर देते हैं हम जो एक लाख रुपए काफी सालों से चल रहा था उसको बढ़ा देते हैं तो बिल्कुल ये एक लाख से सवा लाख कर दिया गया एक सौ बारह का बेनिफिट हालांकि जो मार्केट में आजकल लोगों ने गेंद करें वो पच्चीस हजार से कहीं ज्यादा है <laughs> तो उसकी वजह से प्रकाश आपके हिसाब से बजट विनर एंड बजट लूजर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स

कंपनीज की परफॉर्मेंस जो भी एलोकेशन हुए हैं जो प्रोग्रेस दिख रही है उस खास करके एम एस एम ई में उससे लग रहा है कि कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा चलता रहेगा अगर कंपनीज परफॉर्म करेंगी तो हमारा भी कैपिटल गेंस बनेगा और कैपिटल गेंस बनता रहा तो तभी तो टैक्स देंगे आप फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव द ओनली द ओनली वीकनेस दैट कुड बी देयर इज ये जो ब्रोकिंग कंपनीज़ की जो वॉल्यूम्स में आप देख रहे थे जिस टाइप का वो हो रहा था वहां पे थोड़ा सा होगा और एक लास्ट चीज ये बोलना चाहूंगा कि जिस हिसाब से गिरावट आई है आपने जैसे पहले एक सारी सूची निकाली रेलवे स्टॉक्स में डिफेंस स्टॉक में अब ये फोमो से फी आ, फीलिंग ऑफ सेल uh, आउट वाला हो जाएगा यू you नो know, कि भाई आप बेच नहीं पाए और देखो नीचे गिर गया तो ये कहीं ना कहीं एक रैशनल थॉट प्रोसेस भी लाएगा सो आई वुड बिलीव रेलवे स्टॉक डिफेंस स्टॉक में अभी भी सेलिंग आएगी आज नहीं हो सकता है कल आए लेकिन लोगों को एक रियलिटी चेक हो गया कि जब गिरते हैं तो ये बड़ी बुरी तरह से एब्सोल्युटली वो तो है चलिए मैं राहुल आपके पास आ रहा हूँ एक मिनट लेकिन पहले एक बार बीरो के पास चले और एक मार्केट में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं तो एक फटाफट ट्रेड्स ले लें उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे वीरो बिल्कुल अनुजी थोड़ा सा हमें होमवर्क ज़्यादा करना पड़ा आप यकीन मानिए इस में बट कुछ स्टेट्स हमने पिक किए हैं राजेश पालवी जी पहले मैं आपके पास आऊंगा एक्जैक्टली एक थोड़ी सी अगर आप देखें चौबीस दो के आसपास टाइम स्पेंड किया इस रिवर्सल में आपको एक्जैक्टली इस वक्त लग क्या रहा है आई मीन टाइटन प्लस एफ थोड़ा झुकाव है बाजार का इस तरफ इसमें से कोई ट्रेड स्पॉट किया आपने तो बिल्कुल वीरेन्द जी देखिए जो इनिशियल yeah. वॉलिटिलिटी देखने को मिली उसमें भी जो एक सेक्टर होल्ड आउट करते हुए मिला वो एफएमसीजी था और हमें लगता है कि वहीं पे अभी ट्रेड के लिए फोकस करना चाहिए डाबर यहाँ पे एक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है जिस तरीके से पूरा एफएमसीजी बास्केट में एक बाइंग है डाबर में एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर बनते हुए दिख रहा तो आई थिंक डाबर पर यहाँ पर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया जा सकता है जो रिकवरी बनी हमें लग रहा है ये छ सौ छः सौ की तरफ डाबर में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है तो ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है करंट लेवल पर फ्यूचर्स के अगर स्टॉक प्लॉस देखें तो यहाँ पे आना चाहिए करीब 640 के आसपास oh. वहीं अगर हम देखें तो जैसा आपने टाइटन पे बात किया वहाँ पे भी पूरा ज्वेलरी सेगमेंट में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है काफ़ी स्टॉक्स में देखें तो लोअर साइड से एक अच्छा बाउंस मिला और टाइटन में जो अब एक फिफ्टी डे ट्वेंटी डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है यहाँ पर मोमेंटम चौतीस सौ की तरफ बढ़ सकता है तो टाइटन

आशीष बहती जी आपका ट्रेड क्योंकि इस वक्त अगर मैं क्लियरली देखूं जो सेक्टर अपीयर हो रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग वो है निफ्टी एफ एम डे हाई पर आपका कोई ट्रेड यहाँ जी कंजम्पशन में यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑलरेडी हमने दे रखा है वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है और जिस हिसाब से नीचे का लो जो उसने बनाया था आज अभी बारह के करीब का एक लो बनाकर बहुत अच्छी रिकवरी देखने मिली है स्टॉक वापस ग्रीन में आ गया